पहाड़ों में तेज होती बारिश की वजह से छोटी काशी यानी कि मंडी इस वक्त पानी से लबालब डूबी नजर आ रही है और पंडोर डैम के खोल देने के बाद व्यास नदी आप देखेंगे तो अपने उफान पर है। ये प्रचंड वेग कर देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तबाही इस प्रचंड वेग ने मचाई होगी और ये लहरें कुछ भी अपनी जद में ले लेने के लिए आमादा है। और इन लहरों के ठीक बगल में अगर आप ये देखेंगे ये पंचवक्त मंदिर है और ये पंचवक्त मंदिर दरअसल कल तक लगभग आधा डूबा हुआ था और आज क्योंकि पानी उतर गया है ऐसे में कम से कम इसका ये जो प्लेटफॉर्म है इसका चबूतरा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर वो जो लाल रंग में आप देख रहे हैं वो दरअसल शमशान है और शमशान कल पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर बरसात हो रही है और बरसात की वजह से पानी लगातार भरता चला जा रहा है डैम में, ऐसे में माना यह जा रहा है कि पंडोह डैम के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं क्योंकि कल जब चार गेट पंडोह डैम के खोले गए थे तो तबाही भीषण आई थी। और ये जो पानी आप यहां देख रहे हैं तेज वेग के साथ बह रहा है, दरअसल ये जो पानी है ये यहीं तक सीमित नहीं था, ये पानी उतर गया है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये जो पूरा इलाका ये कटान आप देख रहे हैं ये पानी बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आता चला गया। और आपको दिखाते चले कि ये पानी यहां से होता हुआ ये जो कटान आप देख रहे हैं, दरअसल ये देखिए ये जो कटान और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं कि यहां से होता हुआ पानी ऊपर पहुंचा और ऊपर कहाँ पे ये आप हनुमान मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान मंदिर भी पूरी तरीके से डूबा नजर आया था कल। लेकिन आज क्योंकि पानी उतर चुका है थोड़ा सा इसलिए स्थिति थोड़ी सी सामान्य दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो रेलिंग मंदिर को घेरते हुए आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से गिरी हुई है और तबाही के निशान वो अपने साथ छोड़ गई है। और ये देखिए एक छोटी सी मछली भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर जो कि संभवतः पानी के साथ बहकर ऊपर तक आई हो क्योंकि पानी ऊपर तक था। और जिस हिसाब से वहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है मंदिर में, जिसका साफ मतलब है कि मंदिर वो लाल वाला जो हिस्सा है वहाँ तक पानी में डूबा हुआ था और लबालब पानी भरा हुआ था। और ऐसे में क्योंकि बारिश लगातार जारी है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी अपील ये की गई है कि 24 घंटों के लिए आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए क्योंकि घरों से बाहर निकलना सेफ नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें देखिए उफान मारती ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के बीच पंचवक्त मंदिर यहाँ पर खड़ा है जिसका चबूतरा लगभग इन तेज वेग वाली लहरों के बीच में समाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देश का नंबर वन चैनल न्यूज 18 इंडिया तमाम पर्यटकों से तमाम स्थानीय निवासियों से इस बात की अपील करता है कि आप उफनते नदी नालों से दूर रहें क्योंकि पास जाने पर आपको जान का खतरा हो सकता है। झमाझम बारिश की वजह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है और हिमाचल प्रदेश के मंडी की अगर बात करें तो नदी नलियां उफान पर हैं और उफान इस कदर है कि अपनी तबाही के निशान अपने पीछे छोड़कर चला जा रहा है। और ये देखिए पीछे तबाही के निशान आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो लोहे का पुल है सालों पुराना वो धराशायी हो गया। दरअसल ये धराशायी इसलिए हुआ क्योंकि सामने जो आप पानी देख रहे हैं ये सुकेती खड्ड का पानी है और ये सुकेती खड्ड का पानी आगे जाकर आप देखेंगे व्यास नदी में मिलता है। और कल क्योंकि पंडोह डैम के चारों गेट खोल दिए गए थे उसकी वजह से व्यास नदी का जो पानी का वेग है वो इतना प्रचंड था कि उसने सुकेती खड्ड के पानी का जो वेग है उसे रोक लिया। और उसके बाद जब प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हुआ और वो प्रेशर इस लोहे के पुल पर पड़ा तो ये लोहे का पुल उसे झेल नहीं पाया और उसके बाद वो धराशायी हो गया। तबाही के निशान सिर्फ यहां तक नहीं है, देखिये किस तरीके से कनेक्टिविटी दोनों ओर खत्म हो गई है। लेकिन अगर आप इधर भी देखेंगे कि किस तरीके से इधर आप देखें ये जो पूरा का पूरा मंदिर है बाकायदा यहां पर सीढ़ियां भी बनी हुई है, ये पूरा का पूरा जो मंदिर है या पूरा इस वक्त आपको जलमग्न नजर आ रहा है, डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे और यहाँ पर आशीर्वाद भगवान से लेकर जाते थे। लेकिन इस वक्त हिमाचल वासियों की, न सिर्फ हिमाचल वासियों की बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मूसलाधार बारिश है वो जल्द रुक जाए जिससे कि उन्हें राहत मिले।